सांगर में हालिया बारिशों की तबाहकारियों की जानिब सैलाब सदगान में समाजी तंजीम एजी आगा पे ट्रस्ट की टीम चेयरमैन हनोख हशमत की हदायत पर सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में सैलाब से मुतासर इलाकों में अमदादी सामान तकसीम कर रही है। एजी आगा पे ट्रस्ट की जानिब से सिंध में तीसरा फ्लड रिस्पॉन्स पर काम किया जा रहा है। एजी आगा पे ट्रस्ट की टीम ने सांगर में खास क्रिश्चियन कम्युनिटी के 150 से ज्यादा खानदानों में एक ग्रैंड रिलीफ पैकेज तकसीम किए, जिसमें केपीके के यूथ मिनिस्टर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिंध भर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद अफराद घरों से बेघर हैं और काफी समाजी तंजीमें भी काम कर रही हैं, मगर हालात बेहतर हैं। और एजी आगा पे ट्रस्ट का तारुफ करवाया और अदारा की सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया और बताया कि एजी आगा पे ट्रस्ट 2004 से पाकिस्तान के हर सूबा में अमदादी सरगर्मियाँ कर रहा है। 2022 के हालिया सैलाब के बाद से एजी आगा पे ट्रस्ट सिंध में तीसरा ग्रैंड फ्लड रिस्पॉन्स कर रही है। आखिर में सिंध की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, एडिशनल एजी एस्टेब्लिशमेंट, डीएजी हेडक्वार्टर सिंध, डीआईजी पुलिस हैदराबाद, एसएसपी सखर, डीएबी सिंध के तमाम ताउन और सिक्योरिटी इंतजाम के मशगूल हैं।